रात को लोगों को सोना वापस कर दिया 8 बजे। अच्छा कट कट कट। रात को लोगों को 8 बजे सोना वापस कर दिया और फिर 9 बजे से अलमारी भी बंद कर दिया। वो जो सोना था वो लोगों का था, वो सोना लोगों का था, उनमें 8 बजे वापस कर दिया, 9 बजे उसे अलमारी में बंद कर दिया चोर को। फिर जैसे ही 12 बजे सांस बंद हुआ, गर्दन में गोली मार के समंदर में फेंक दिया। सेहत का राज क्या है आपकी ऐसा चो साहब? मुझे प्यार से वसीम बदामी कहते हैं। नहीं यार, तो मुझे डंडे के वसीम बदामी लग रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे साथ नन्ना मुन्ना अयान मौजूद है जो अपने आप को SHO कहता है। ये कहता है मैंने क्रिमिनल लोग ऐसे पकड़ने हैं। आइए इसे पूछते हैं कि छोटी सी उम्र में ये SHO बन गया है और इसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद, क्या खाता है। क्योंकि इसका कहना है कि मुझे आलू पसंद है, ये आलू खा के आलू हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक। वाह भाई वाह, सेहत का राज क्या है आपकी SHO साहब? आलू। वाह भाई वाह। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखे होंगे मोटू और पतलू उसमें समोसे बहुत खाते हैं और ये आलू खाता है। क्या मोटू और पतलू में जाना चाहते हो आप? नहीं, मैं वसीम बदामी से मिलना चाहता हूँ। वाह, मुझे प्यार से वसीम बदामी भी कहते हैं नाज़रीन। Oh, no. तो आज वसीम बदामी के साथ बैठे हो आप। वसीम बदामी के साथ बैठ जाएंगे बहुत जल्दी, इंटरव्यू से शुरू हो जाएंगे। मुझे प्यार से वसीम बदामी कहते हैं। नहीं यार, तो मुझे डंडे के वसीम बदामी लग रहे। शाने रमजान वाले लग रहे हैं। अच्छा, शाने रमजान, जैसा कि आप इस्लामी चीज़ें बहुत देखते हैं, जैसा कि वो ट्रांसमिशन करते हैं रमजान की, तो आप कोई नात या तिलावत हमें सुनाए। जी बिल्कुल, मुझे तिलावत आती है उनकी रबी रवल की। जी माशाल्लाह नाज़रीन, जिन्हें भी शेर पढ़ते हैं। जी जी, शुरू करता हूँ मैं। मेरी नबी प्यारी नबी सुन्नती ती दुनिया उदी, ए नबी प्यारी नबी सुन्नती तेरी दुनिया उदी, तू ही शफात की यमा, ए रहमतुल्लिलालमी, ये नबी प्यारी नबी सुन्नत तेरी दुनिया उदी, कोई नहीं तुझे साने, ए रहमतुल्लिलालमी। माशाल्लाह। अच्छा, आपसे मोहल्ले वाले भी तंग होंगे और फैमिली वाले भी तंग होंगे, क्या ऐसा ठीक है? नहीं, ये मुझसे तंग नहीं होते, लेकिन कभी कभार जब मैं शरारतें करता हूँ तो सब तंग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितने अभी तक आपने चोर पकड़ लिए हैं? 10,000। 10,000 कहाँ रखे हुए हैं? उम्र सारी बेड के नीचे नहीं। वो है बहुत दूर, यहाँ से बड़ी दूर। कहाँ? पबजी में तो नहीं है? पबजी में नहीं। फिर उनको गोली मार दी है। वाह भाई वाह। कहाँ अपना वेपन कहाँ रखते हैं आप? हमारा थाना घर है और हम घर में चोरों को पकड़ के बंद कर देते हैं अलमारी के अंदर। क्या बात है, अलमारी के अंदर। तो अलमारी तो फिर फुल हो चुकी होगी आपकी। अलमारी में कपड़े कभी कभार रखते हैं जब उनका सांस बंद हो जाए और फिर उनकी गर्दन पे गोली मार देते हैं। वाह भाई वाह। नाज़रीन, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अलमारी के अंदर चोर बंद करके उनके ऊपर कपड़े रख दिए जाएं, वो जल्दी मर जाएंगे। वाह वाह वाह। और कोई बताइए हमारा तरीका नाज़रीन को चोर पकड़ने का। चोर पकड़ने का तरीका यही है, अलमारी में रखो, उनका सांस बंद हो जाएगा। हाँ। गर्दन में गोली मार। अच्छा, इतने एक्टिव हो आप, क्या खाते हो? हम मुझे भी बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं। मैंने आपको 3 बार बताया मैं आलू खाता हूँ, क्यों मेरे दिमाग की दही बना रही है। अच्छा, कभी SHO बन जाते हो, कभी मौलवी बन जाते हो, कभी डॉन बन जाते हो, इतनी क्वालिटीज आप में कैसे? ये जिस बंदे का सिक्स सेंस तेज हो इनसे तो वो
इतनी सारी चीजें बनेगा ना। इनका दिमाग तो बहुत मार गया हुआ है ना। इनके दिमाग की तो दही बनी ही है कब से। 2 साल से, पिछले साल बनी थी। अच्छा काशिफ जमीर पकड़ा गया है, वो भी आपने पकड़ा है मेरे ख्याल से अलमारी में। ओह नो। हां जी अलमारी में बंद कर दिया था रात को, सांस बंद हो गया। उसका सोना भी उतार लिया आपने रात को लोगों को सोना वापस कर दिया 8 बजे। अच्छा कट। रात को लोगों को 8 बजे सोना वापस कर दिया और फिर 9 बजे से अलमारी में बंद कर दिया। वो जो सोना था वो लोगों का था, वो सोना लोगों का था, उनमें 8 बजे वापस कर दिया, 9 बजे उसे अलमारी में बंद कर दिया चोर को। फिर जैसे ही 12 बजे सांस बंद हुआ, गर्दन में गोली मार के समंदर में फेंक। खारिज के अलावा और क्या कर लेते हैं? कट। क्रिमिनल पकड़ लेता हूँ। अच्छा। और बहुत कभी ऐसा हुआ क्रिमिनल ने आपको पकड़ लिया हो? क्रिमिनल कभी मुझे नहीं पकड़ सकता। क्यों? मैं बहुत ताकतवर ऐसी हूँ। वाह बे वाह, कितनी ताकत है आप में, कैसे आई? 10 गुना ताकत, बल्कि 1000 गुना। मैं भारी चीजें उठा सकता। मुझे उठा लोगे? आपको उठा लूंगा मैं। वाह भाई नाजरीन, जैसा कि इसका कहना है कि मेरे अंदर 10 गुना ताकत है। अच्छा प्रोग्राम की एंडिंग देते हैं, आप दोगे या मैं दूं? मैं दूं। नाजरीन आज इससे ही एंडिंग करवाते हैं जी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम। हमारे छोटे SHO साहब एंडिंग देने लगे हैं। चलो जी जी, हम आपसे बहुत बहुत गुजारिश करते हैं कि आप लोगों ने हमें देखा होगा, हमारा बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ, आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त। आप भी आलू खाइएगा। अल्लाह हाफिज, फिर अगले साल मिलेंगे।